अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल आयशा क्रिएशन। उम्मीद करते हैं हमेशा की तरह आप लोग सुरक्षित होंगे। अल्लाह के फजलो करम से, आपकी दुआ से हम लोग भी सुरक्षित हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ भुना मछली की रेसिपी। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिलती रहे। तो चलिए बनाना शुरू करती हूँ। देख, मैंने यहाँ 1 kg फिश ली हूँ। देख, मैंने यहाँ 1 kg फिश ली हूँ और उसमें मैं पहले ही मैरिनेट कर चुकी हूँ। इसमें मैं हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और रेड चिली पाउडर डाल के मिक्स कर ली हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं फिश को फ्राई करूँगी। मैं गैस को ऑन कर लूँ। मैं आज 2 pan यूज़ कर रही हूँ। आप देखिए, एक में जिससे मसाला को जिसका ग्रेवी लगाऊंगी भुना, और एक में फिश फ्राई करूंगी, क्योंकि डिनर के लिए तैयारी करना है। वैसे भी बहुत लेट हो चुके हैं तो सोचा क्यों ना बनाते बनाते कुछ रेसिपी आपके साथ शेयर कर लूं। बहुत ही लजीज लाजवाब बनते हैं ये भुना फिश, आप भी ट्राई करें घर पर। जब फिश फ्राई हो जाएगी उसके बाद मैं का प्रोसेस बताऊंगी कि मैं भुना में मसाला में क्या क्या दी हूँ मसाला। सबसे पहले मैं, मेरी तेल गर्म हो चुकी है, सबसे पहले मैं फिश को फ्राई करूँगी। और मैं गैस का फ्लेम को हाई में रखूँगी। सबका अपना अपना प्रोसेस होता है, कोई मतलब मसाला को पहले ही भून लेता है उसके बाद ही वैसे बिना फ्राई किए फिश को मसाला में डाल देता है। क्योंकि मैं ऐसे नहीं करती हूँ, मैं पहले फिश को फ्राई करती हूँ उसके बाद मसाला जब भुना जाता है उसके बाद मैं फिश डालती हूँ। जब से फिश फ्राई हो रही है उसके बाद की मैं प्रोसेस आपको बताती हूँ। देखिए, मेरी एक साइड की फिश जो है साइड मतलब फ्राई हो चुकी है, मैं टर्न कर दूंगी, दूसरी साइड भी फ्राई हो जाए। और मैं इसके साथ साथ मसाला भी दूसरे पैन में भुनना शुरू करूंगी। सबसे पहले मैं पैन को ऑन करूंगी तेल गरम करने के लिए, दूसरे पैन को। कितने अच्छे से फ्राई हो गए हैं देखिए, आप भी फ्राई करें, ऐसे फ्राई करके फिश बनाना। अब मैं दूसरी साइड में जाऊंगी। अब इस पैन को मैं गरम करूंगी ऑयल को इसमें, और इसमें जो मसाला है उसमें डालूंगी। देखिए, मैं ये मसाला ली हूँ। देखिए, इसमें मैं 4 onion दी हूँ, 4 small size का ओनियन पेस्ट। उसमें जिंजर नहीं दी हूँ, गार्लिक सिर्फ दी हूँ, हल्दी पाउडर और कुमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर दी हूँ। और सॉल्ट में जब मसाला भूनूंगी इसको ऊपर से डालूंगी। सबसे पहले मैं इसमें पिंच ऑफ मैं फेनुगिक सीड डालूंगी, मस्टर्ड सीड डालूंगी और सौंफ डालूंगी। थोड़ा सा ये सॉल्ट हो जाएंगे, मैं इसमें मसाला डालूंगी। आप देखिए, यहाँ ये फ्राई फिश फ्राई हो चुका है, मैं इसे निकाल लूँगी और गैस का फ्लेम को लो कर दूँगी। अब बाकी जो फिश बचे हैं उसे भी फ्राई कर लूँगी।
Ouch. ये बाकी जो फिश है वो भी फ्राई कर लूंगी मैं। अब देखिए मैं इसमें मसाला डालती हूँ। इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी। इसमें मैं मसालों को भुनने तक छोड़ दूंगी, उसका पैन का लीड को डाल दूंगी, कवर कर दूंगी ताकि मसाला भूनता रहे, और उसमें जो गैस का फ्लेम है इसको हाई कर दूंगी। मैं इसे कवर कर दी हूँ पैन को, और यहाँ गैस को जो फिश वाली गैस है उसको मैं हाई में कर दी हूँ। देखिए ये भी फिश मेरी फ्राई हो चुकी है, मैं इसे भी निकाल लूँगी प्लेट में, और जो बाकी की फिश बची है उसमें फ्राई कर लूँगी। क्योंकि ये फ्राई करके बनाने में बहुत ही मज़ा आता है, आप भी यहाँ मसाला का भी बना रखा सकते हैं, सिर्फ फ्राई करके बहुत ही लजीज लगता है खाने में। और जो बाकी फिश बची है मैं इसे भी डाल दूँगी। और यहाँ एक तरफ मेरा मसाला भुना रहे हैं फिश का, मैं उसे भी दिखाती हूँ। यहाँ भून रहे मसाला, अच्छी तरह से भून जाएंगे तो फिर मैं इसमें टमाटर डालूंगी, फिर बताऊंगी। मसाला भून रहे हैं, मैं इसमें नमक नहीं डाली थी तो मैं हाफ टी स्पून नमक डाल दूंगी। इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी ताकि मसाला भी भुना नहीं सही से और सही तरह से भून जाए। देखिए अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी, दो टमाटर ली हूँ मैं, कट करके इसमें डाल दी, और थोड़ा सा मैं चला दूंगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और साथ में मसाला के साथ भुना जाए इसी तरह से। उसके जब ये मसाला भून जाएंगी तो फिर मैं इसमें जो फ्राई किए हुए मछली है मैं इसमें डालूंगी। देखिए ये भी मेरी फिश हो चुकी है, मैं भी इसे निकाल लूँगी प्लेट पर। और इसका गैस मैं ऑफ कर दूंगी। अब मैं एक तरफ मसाला भुना रही हूँ, अब मैं इसमें जो फ्राई किया हुआ फिश है मैं इसमें डालूंगी। अभी मैं सही तरह से सॉफ्ट हुआ नहीं टमाटर, तो सॉफ्ट होने पर मैं वेट करती हूँ। देखिए मेरे ये मसाला अच्छी तरह से भून चुका है और तेल भी रिमूव हो रहा है। मैं थोड़ा मसाला ज़्यादा भूनती हूँ क्योंकि जो इसमें ओनियन होते हैं, ओनियन पेस्ट और लहसुन जो पेस्ट होते हैं उसका स्मेल अच्छी तरह से निकल जाए, और जो मैं फ्राई फिश फ्राई करके रखी हूँ मैं इसे सब इसमें डाल दूँगी।
अच्छी तरह से मैं इसमें डाल के मसाला में मिक्स कर दूंगी। देखिए ये मेरी भुना फिश तैयार है बनकर। आप इसे राइस के साथ खाएं और दाल के साथ खाएं, क्योंकि ये राइस के साथ खाने में भुना मछली बहुत ही अच्छा लजीज लगता है। मैं तो राइस के साथ खाती हूँ। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये था मेरा आज का भुना फिश की रेसिपी। आप फिर से मिलूंगी आपसे नई नई रेसिपी के साथ। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आपको इसका रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फिर मिलूंगी। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। शुभ रात्रि।